कांग्रेस के उम्मीदवार उमंग सिंघार को राहत मिली है। जबलपुर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लिहाजा सिंघार अब चुनाव प्रचार कर सकते हैं। दरअसल उनके प्रचार गाड़ी से 26 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने अवलदा गांव में शराब को पकड़ा और इसके बाद उमंग सिंघार के अलावा 3 और लोगों पर केस दर्ज किया गया। कल रात्रि में उमंग सिंघार जी के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था गंदवानी थाना क्षेत्र में, जिसमें उनके ऊपर एक्साइज एक्ट सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 का आरोप था और अन्य भी धाराएं थी। और उन पर यह आरोप था कि अवैध रूप से जो उनका वाहन, जो कि चुनाव प्रसार के लिए जिसके लिए उनको अनुमति दी गई थी, उसमें वह अवैध रूप से शराब जो है उनका ड्राइवर जो है वह लेकर के जा रहा था। अब उमंग सिंघार जी ने जब यह प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तो न्यायालय की शरण ली और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जबलपुर खंडपीठ में उन्होंने याचिका दायर की 482 CRPC के तहत, और उन्होंने FIR की क्वेश्चनमेंट की मांग करी, जिसमें कि उन्हें इंटरिम रिलीफ जो है माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है। और अब उमंग सिंघार जी जो हैं वह लगातार चुनाव प्रसार कर सकते हैं, अब पुलिस जो है उनका अरेस्ट नहीं कर सकती इस अपराध के अंतर्गत। और आइए अब देखते हैं 15 सेकंड में खबरें।